चाहे उसकी जानकारी तो नहीं था, झंडा नहीं था। नहीं, ये वाली गाड़ी तो अभी तक चोरी की गाड़ी है, इसका पता नहीं चल पाया है। मोटरसाइकिल चोरी की थी जो पकड़ा था, जिसमें दो लोगों को जेल भेजा गया। हमें यही लग रहा था, लेकिन अभी तक इसको हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। हो सकता है, बट इन्होंने स्वीकारा नहीं है कि हमने किया है, अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की। उसमें हम लोग जोड़ के इनका अपहरण, इनका खोजबीन कर रहे थे, बट इन्होंने नहीं स्वीकारा है, तो हम लोग अभी ये बात नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है कि जो जिन्होंने घटना की है उसमें से दो चार लोग और पकड़ाएं और फिर बताएं कि इनकी संलिप्तता थी, तो उस समय ये बात सामने आएगी, बट अभी नहीं आई है। नहीं, सीआरपीसी में एक सेक्शन 399-402 जो कहता है कि डकैती की योजना बनाना भी अपने आप में एक अपराध है। ये कनेक्शन जरूर मिल रहा है कि लोग छपरा के थे, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं हो पा रहा है, और ये लोग पकड़ाए तो ये लोग माना नहीं। समस्तीपुर वाला भी कुछ नहीं है ना, समस्तीपुर वाले के बारे में हम कैसे बताएं? न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। पटना पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियारों समेत धर दबोचा है। 5 अपराधी जो है वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। बीते दिनों जैसा कि हमने आपको दिखाई थी तस्वीर कि एक मूंगफली व्यवसायी को अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था, वहीं एक आदमी के कमर में भी गोली मारी गई थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी घटना रही वो दीघा में स्थित फ्लिपकार्ट में बड़ी लूट, 12 लाख की लूट हुई थी। तो इस दौरान एक टीम का गठन हुआ था और दीघा थाने की टीम लगातार इस मामले को डिटेक्ट करने के लिए तमाम जगहों पर हाथ पैर मार रहे थे। उसी कड़ी में 5 अपराधी को हथियारों समेत, उनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला कि 5 अपराधी जो है वो सारण जिले के रहने वाले थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि इन तमाम अपराधियों का अभी तक कोई लिंक नहीं पता चल पाया है कि ये क्या फ्लिपकार्ट वाली घटना में संलिप्त थे या बीते दिनों दीघा थाना क्षेत्र में जो भी गोलीकांड हुआ है उसमें इसकी संलिप्तता फिलहाल नज़र नहीं आई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पटना के सिटी एसपी। पिछले कुछ दिनों में 2-3 आपराधिक घटनाएं घट गई थी। 6 तारीख को एक मूंगफली वाले को रात में 3 बजे गोली मार दी गई थी। उसके बाद कुछ लोग आपस में मजाक कर रहे थे, जिसमें गोली फायरिंग हो गई थी, जो एक आदमी को कमर में लग गई थी। और उसके बाद एक फ्लिपकार्ट की घटना भी घट गई थी, जिसमें 7-8 लोग जो है फ्लिपकार्ट के गोदाम में घुसकर कुछ पैसों का लूटपाट कर लिए थे। उसमें एक आदमी घायल भी हो गया था। हमारे द्वारा लगातार इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए छापेमारी की जा रही थी। डीएसपी साहब के नेतृत्व में, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब के नेतृत्व में और दीघा थाना प्रभारी, पाटलिपुत्र थाना प्रभारी, इन लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी, जिन्हें इस क्षेत्र में जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इन सारे घटनाओं का उद्भेदन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। मूंगफली वाले को जिसमें गोली मारी गई थी उसमें हम लोगों ने एक अभियुक्त को पकड़कर जेल भेज दिया है। 2 अभियुक्त जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, उनकी तलाश चल रही है। उन्होंने ये एरिया छोड़ दिया है, लेकिन हम लोगों ने जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसी कड़ी में हम लोग कई बाइक चोरों को भी पकड़कर जेल भेजे। उनकी गिरफ्तारी से धीरे धीरे खुलता गया, ये एक गैंग जो है वो हमारे हाथ लगा। यह गैंग जो है यह डकैती की योजना बना रहा था। इन लोगों ने पहले पूर्व में चोरी की हुई गाड़ी का उपयोग किया था। चोरी की हुई गाड़ी जो पकड़ाई है उसमें तो जेल भेज चुके हैं हम लोग। इनके पास से एक हथियार, 2 मैगजीन, 2 गोली बरामद हुए हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनका नाम है, एक है बिलिंद कुमार और रोहित कुमार, जो कि सारण जिला का रहने वाला, सभी सारण जिले के रहने वाले हैं, सभी 5 सारण जिला में रहने वाले हैं। रजनीश कुमार, अमर कुमार उर्फ बाबा, अमर कुमार उर्फ रोहित, सुमित कुमार उर्फ मंगल, ये 5 यहाँ पर दीघा थाना क्षेत्र में भाड़े पर रूम लेकर रह रहे थे और क्राइम करने की योजना बना रहे थे। इन्होंने स्वीकारा है कि हम लोग हथियार का इंतजाम इसलिए किए थे कि हम लोग कोई डकैती की घटना को अंजाम देंगे। इनका प्लान था कि ये किसी गाड़ी को रुकवा कर लूट करेंगे, किसी मोटरसाइकिल को रुकवा कर लूट करेंगे,
इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमने सारण जिला से पूछताछ की है, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है, आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। इन द मीन टाइम चूँकि इनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो हम इन्हें जेल भेज रहे हैं और आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तीनों घटना का जिक्र किया आपने, इसी गिरोह ने? हाँ, तीनों ये सारी की सारा घटना जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने जिक्र किया। और अभी तक जो फ्लिपकार्ट वाली घटना है उसका सफल उद्भेदन नहीं हो पाया है, वो ट्रू है, लेकिन उसी घटना को लेकर जब हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे थे तो ये पांच लोगों का गिरोह जो है वो हमें पकड़ा गया, जिसे हम जेल भेज रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम कुछ दिनों में ही बाकी दोनों घटना का भी सफल उद्भेदन कर लेंगे। सर, कमर में जिसको गोली लगी थी उसकी हालत क्या है? वो खतरे से बाहर है, और जिस लड़के ने गोली चलाई थी उसका भी नाम, उसका पहचान हो गया है, और वो भी भागा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, जल्दी जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सभी का गिरफ्तारी कैसे हुआ, कहाँ से हुई, कहाँ की घटना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की दबिश बढ़ी हुई थी क्रिमिनल के ऊपर, और हमारी टीम अलग अलग जिला में जाकर भी रेड कर रही थी। सारण में हम लोगों ने दो आदमी को गिरफ्तार किया था, जो मोटरसाइकिल चोर थे, उनके थ्रू उनके जब हमने मोबाइल को देखा और भी हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया तो उनसे हमें कॉन्टैक्ट मिला। इन लोगों के गिरोह ने उनसे चोरी का मोबाइल मोटरसाइकिल मांगा था घटना करने के लिए, तो उनको उसको ट्रेस करते करते हम इनके पास पहुंचे, तो ये पांचों हमें एक कमरे में बरामद हुए। इनके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और एक देसी पिस्टल था, एक ये पिस्टल था और गोली और मैगजीन दोनों था। और जब हमने इनसे फिर से कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने स्वीकारा कि हाँ, हमने ये पिस्टल जो है ये हम 2 से 3 दिन पहले लेकर आए थे, ये मुजफ्फरपुर से ये लोग खरीद कर लाए हैं ये पिस्टल, और आपराधिक घटना लूट की डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए ही हम लोग लेकर आए हैं। पांचों का मास्टरमाइंड कौन है सर? इसमें दो लोग जो मुख्यतः सामने हमें आया है वो है बिलिंद कुमार उर्फ रोहित कुमार और अमर कुमार उर्फ बाबा, ये दोनों इस गैंग को लीड कर रहे थे और बाकी तीनों इनके सहायक थे। तब ये गैंग कुल मिलाकर पांच लोगों की जो गैंग थी, ये प्लानिंग कर ही रहे थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। इनका हमें जहां तक समझ में आ रहा है कि चोरी करने का मोटरसाइकिल चोरी करने का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन हम इसको कन्फर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आपराधिक इतिहास की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन लोग हथियार के साथ बरामद हुए और ये उस घटना से जुड़ा हुआ था। बाबा का प्रोफाइल क्या है? 22 साल का लड़का है, 22-23 साल का लड़का है, और मोबाइल में इनके ढेर सारे पिस्टल लेकर फोटो वोटो खींचा हुआ है, आपराधिक माइंडसेट का क्लियर कट लग रहा है। स्विफ्ट गाड़ी में सर किसी पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था क्या? गाड़ी इसकी जानकारी तो नहीं था, झंडा नहीं, झंडा नहीं था। नहीं, ये वाली गाड़ी तो अभी तक चोरी की गाड़ी है, इसका पता नहीं चल पाया। मोटरसाइकिल चोरी की थी जो पकड़ाया था, जिसमें दो लोगों को जेल भेजा गया, हमें यही लग रहा था, लेकिन अभी तक इसको हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। हो सकता है, बट इन्होंने स्वीकारा नहीं है कि हमने किया है, अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की है। उसमें हम लोग जोड़ के इनका अपहरण, इनका खोजबीन कर रहे थे, बट इन्होंने नहीं स्वीकारा है तो हम लोग अभी ये बात नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है कि जो जिन्होंने घटना की है उसमें से 2-4 लोग और पकड़ाए और फिर बताएं कि इनकी संलिप्तता थी, तो उस समय ये बात सामने आएगी, बट अभी नहीं आई है। नहीं, CRPC में एक सेक्शन 399-402 जो कहता है कि डकैती की योजना बनाना भी अपने आप में एक अपराध है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।